हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सिलेबस बताने वाली हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर विथ एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके तीन पेपर हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही पेपर आपके 50-50-50 नंबर के हैं। और फोर्थ आपका है प्रैक्टिकल, जो कि आपका 75 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें हम एक एक करके तीनों पेपरों का सिलेबस देखेंगे। और मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट पेपर के साथ ही आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता रही हूँ पेपर का। यही एग्ज़ाम पैटर्न आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर रहेगा, और यही पैटर्न आपका तीनों पेपर में रहेगा। तो पेपर पैटर्न मैं आपको एक बार ही बताऊँगी, और फिर आगे सभी पेपर्स में यही पेपर पैटर्न आप फॉलो कर लेना। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके हर पेपर में तीन सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए के अंदर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन। आपके हर पेपर में 5 यूनिट होंगी, तो उन 5 यूनिट में से हर यूनिट में से दो दो क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर आएगा, जो कि आपका बिल्कुल शॉर्ट होगा, 1 लाइन 2 लाइन का, हाफ ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन हर यूनिट से, जिनमें से आपको हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना होगा, यानी टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 10 क्वेश्चंस में से, और ये क्वेश्चन होंगे आपके 5-5 मार्क्स के। फिर है आपका सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उन 4 में से आपको कोई भी दो क्वेश्चन करने होंगे, और वो होंगे 10-10 नंबर के। अब ये तो मैंने आपको एज ए रिटर्न पैटर्न में यहाँ पर जो लिखा हुआ है पेपर पैटर्न, वो आपको बता दिया। यदि आपको पूरा कंप्लीट देखना है कि किस तरीके का पेपर आता है, पूरा जो एक्चुअल पेपर व्यू होता है उसके हिसाब से, यदि आपको एक पूरा डिटेल में पेपर पैटर्न समझना है, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पूरा डिटेल में पेपर पैटर्न समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं मेन सिलेबस पर फोकस कर रही हूँ यहाँ पर। तो पेपर फर्स्ट आपका मैकेनिक्स का है, इसके अंदर आपकी 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट है आपकी फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड यूनिट है आपकी कंजर्वेशन लॉज एंड डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स, थर्ड यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फोर्थ यूनिट ऑसिलेशन। ये इनके अंदर के टॉपिक्स हैं जो कि आपको बीएससी के सिलेबस में पढ़ने हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर हैं। फिर है यूनिट 5 वेव्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका मैकेनिक्स का पेपर की 5वीं यूनिट का सिलेबस। अब यदि आपको इनके नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो नोट्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। फिर है पेपर सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पेपर पैटर्न देखो आपका वही रहेगा तीनों पेपरों में। मैं आपको यहाँ पर ओनली चैप्टर्स के नेम बता रही हूँ और उनका सिलेबस बता रही हूँ, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है आपकी स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, सेकेंड यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फोर्थ यूनिट आपकी ये LR और LCR वाला सर्किट की है, थोड़ी बड़ी यूनिट है ये। फिर है फिफ्थ यूनिट आपकी, फिफ्थ यूनिट में टॉपिक्स हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से रिलेटेड है आपकी फिफ्थ यूनिट। इसके भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की 5वीं यूनिट के हिंदी इंग्लिश मीडियम के नोट्स अवेलेबल हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को बीएससी के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल चाहिए, तो वो चैनल पर चेक कर सकते हैं, सभी के नोट्स की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, और जो नोट्स की पीडीएफ लिंक है वो उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। फिर पेपर 3 है आपका ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स में आपकी फर्स्ट यूनिट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, सेकेंड यूनिट है आपकी इंटरफेरेंस, थर्ड यूनिट है आपकी डिफ्रेक्शन। ये पूरा डिफ्रेक्शन के टॉपिक्स हैं जो कि आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट 4 है आपकी पोलराइजेशन, यूनिट 5 है लेज़र एंड होलोग्राफी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके तीनों पेपर्स हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिज़िक्स के प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में करने होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सेक्शन ए, मतलब जो आपके शॉर्ट प्रैक्टिकल्स हैं, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं,
उनके यहाँ पर नेम दिए हुए हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ने होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले कितना आपको करवा रहे हैं, कितने प्रैक्टिकल्स वो आपको बताते हैं लैब में ले जाकर, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जितने उनके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल होंगे उतने एक्सपेरिमेंट तो आपको करवा देंगे, लेकिन सारे तो कोई भी नहीं करवाने वाला। तो यहाँ से आप इनके जो टॉपिक्स हैं एक्सपेरिमेंट्स के वो देख सकते हैं, और एक एक एक्सपेरिमेंट को यूट्यूब पर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं यदि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो। क्योंकि कुछ ही कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल्स आपको करवाए जाएंगे, बाकी बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें आपको केवल रिकॉर्ड बना के सबमिट करना होता है। तो जो प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होती है वो भी मैंने प्रोवाइड की हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रैक्टिकल फाइल अवेलेबल है। बाकी जिनको एक्चुअल में देखना है प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, तो वो यहाँ से एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके पढ़े, और आपको जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं उनकी वीडियोज़ मिल जाएंगी, और उनको देख कर आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं। तो वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज आप वीडियो के ज़रिए ले सकते हैं। बाकी जो आपके थियोरेटिकल 3 पेपर हैं उनके लिए आप नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके वही 3 पेपर होंगे, केवल जो टॉपिक्स वगैरह हैं उनके नेम हिंदी में लिखे हुए हैं क्योंकि सिलेबस तो सेम ही होने वाला है। पहला पेपर आपका यांत्रिकी का है, पेपर पैटर्न सेम होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था इंग्लिश मीडियम के लिए वही हिंदी मीडियम के लिए पेपर पैटर्न है। तो यांत्रिकी जो आपका पेपर है उसमें आपकी पहली यूनिट है भौतिक नियम व निर्देश तंत्र, फिर सेकंड यूनिट है आपकी द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा। सेकंड यूनिट के अंदर आपके 2 पार्ट हैं, एक तो द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा और दूसरा है द्रव्य पिंड गति की, 2 पार्ट हैं सेकेंड यूनिट में। यूनिट 3 है आपकी पदार्थ के गुण, यूनिट 4 है आपकी दोलन, यूनिट 5 है तरंग। इनमें से यदि आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए बीएससी फिजिक्स के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स के लिंक डाले हैं वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका पेपर है विद्युत चुंबकी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इसमें भी पेपर पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। यहाँ से आप केवल सिलेबस देख लीजिए कि ये टॉपिक्स आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ने हैं। यूनिट 1 है इसमें आपकी अदिश एवं सदिश क्षेत्र, सेकेंड यूनिट है आपकी स्थिर विद्युत की, 3rd यूनिट है स्थिर विद्युत क्षेत्र, 4th यूनिट के आप यहाँ से टॉपिक्स देख सकते हैं। एक तो ये हिंदी मीडियम का जो सिलेबस लिखा हुआ है ना, इसमें वर्ड्स में कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं ये वर्ड्स मतलब ढंग से नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये शायद है ना वो आपके LR और CR सर्किट जो लिखे हुए हैं तो उनका हिंदी में टाइपिंग सही से नहीं आया है सिलेबस के अंदर। तो जिन जिन वर्ड्स में प्रॉब्लम है उनको आप इंग्लिश का जो मैंने ऊपर दिखाया था उसमें से मैच कर लेना, चेक कर लेना, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाला हुआ है सिलेबस। फिर यूनिट 5 आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से रिलेटेड है, ये मैग्नेटाइजेशन का पार्ट है यूनिट 5 के अंदर आपका। नेक्स्ट आपका पेपर 3 है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, यहाँ से आप इसका सिलेबस देख लीजिए। इसमें यूनिट 1 आपकी ज्यामितीय प्रकाशिकी है, यूनिट 2 आपकी इंटरफेरेंस वाली है, फिर यूनिट 3 आपकी विवर्तन डिफ्रेक्शन। यदि हिंदी मीडियम के सिलेबस में वर्ड्स में बीच बीच में आपको ये टाइपिंग में एरर है ना, तो इन एरर्स को आप इंग्लिश मीडियम से चेक कर लेना कि कौन सा टॉपिक है, ताकि आपको पूरा टॉपिक्स पता रहे। आप यदि टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे ना, तभी आपका बीएससी का सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी कवर हो पाएगा। वरना ऐसे तो आप कोई भी बुक्स यदि उठा के पढ़ोगे तो बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा दिए हुए होंगे जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं होंगे, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिए हुए होते हैं। तो यदि आपको पर्टिकुलर बीएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, तो सिलेबस के टॉपिक वाइज ही पढ़िएगा। ठीक है, यूनिट 4 आपकी ध्रुवण वाली है, यूनिट 5 है आपकी लेज़र एंड होलोग्राफी। नाउ अब बात करते हैं हम फिज़िक्स प्रैक्टिकल्स। फिज़िक्स प्रैक्टिकल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के अंदर ये सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं। ये प्रैक्टिकल्स आपको कॉलेज वाले करवाएंगे, और उनके पास जितने इक्विपमेंट्स होंगे उतने तो आपको करवा देंगे एज एक्सपेरिमेंट्स में। बाकी जो नहीं करवाते हैं वो आप यूट्यूब पर टॉपिक वाइज सर्च करके खुद से देख सकते हैं कि एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं।
यहाँ से आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टॉपिक्स के, ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज यदि लेना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट्स को देखना है कि फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं बीएससी के, तो वो एक एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल ही जाएंगी यूट्यूब पर। और नोट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब भी यदि आपको किसी भी चीज़ की कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं, हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करना है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का, और फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। बाकी जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं मेरे चैनल पर, वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप जब सिलेबस मैच करोगे तो 80% सिलेबस सेम है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर पेपर के अंदर। तो ये जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। बाकी सिलेबस यदि आपको आपकी यूनिवर्सिटी का चाहिए तो आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।